नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके चैनल एड वैल्यू टू लाइव्स में। आज हम बात कर रहे हैं दो टाइप की इनकम, लीनियर इनकम और रेसिडुअल इनकम। इनकम का माने होता ही है आमदनी, आपकी अर्निंग्स, और दो डिफरेंसेस हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है। हम पैसे कमाते हैं, हम पैसे कमाने के लिए अपना समय देते हैं, अपनी एफर्ट्स देते हैं, अपना मस्तिष्क दिमाग सोच लगाते हैं, लोगों से इंटरैक्शन करते हैं, और इतना सब कुछ करने के बाद हम जो इनकम कमाते हैं, पाते हैं, वो इज़ इट सफिशिएंट? वो हमारे खर्चे, हमारे जीवन शैली को, हमारी बचत को, हमारे इन्वेस्टमेंट को सफाइस करती है, सपोर्ट करती है? ये प्रश्नों के बारे में हमने सोचना चाहिए, ये इन प्रश्नों को या इन विचारों पे हमने अपना चिंतन मनन करना चाहिए। और यदि हम असंतुष्ट हैं अपनी इनकम से, तो फिर हमें आगे और ज़्यादा इनकम कमाने के लिए क्या करना चाहिए, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और सतत देना चाहिए। हर व्यक्ति जो होता है, महिला हो, पुरुष हो, छोटा वैसे छोटा हो, मध्यस्थ वय का हो या बड़ा हो, हर व्यक्ति अपनी आमदनी, अपनी इनकम, अपनी आय के बारे में सोचता है। जो जिनको जीवन में कुछ करना है, जिनको जीवन में थोड़ा सा आगे बढ़ना है, वो सारे व्यक्ति सोचते हैं। अब जो व्यक्ति संसार की मोहमाया छोड़ के बैठे हैं, जिनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, वो ये सब नहीं सोचते। तो जहाँ तक मेरी जो समझ है कि 99% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन जो है, वो दिन रात इसी जुगाड़ में लगी रहती है कि भैया काम किया जाए, पैसे कमाए जाए और जीवन शैली या लाइफ को थोड़ा सा एंजॉय किया जाए, थोड़ी सी बचत की जाए, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया जाए, इन्वेस्टमेंट ग्रोथ के एंगल से, इन्वेस्टमेंट अच्छे बुरे दिनों में पैसे काम आए उसके एंगल से। तो ये बहुत सारे इसमें छोटे बड़े कारण हैं, पहलू हैं, जो हर व्यक्ति सोच समझ के अपनी सूझबूझ से काम करता है। तो चलो हम अपने सब्जेक्ट पे आते हैं, बट सब्जेक्ट पे आने के पहले मेरी कुछ रिक्वेस्ट हैं आपसे। इस वीडियो को अंत तक आप सुने, ध्यान से सुने, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में लिखें ये वीडियो आपको कैसा लगा और क्या इसमें और ऐड कर सकते हैं, ताकि मैं अगले वीडियो में उन अलग अलग पॉइंट्स को मैं कवर करके हम आगे बढ़ें। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि अगला वीडियो जब भी लाऊं तो आपको एक अलर्ट मिल जाए, आप फिर इन वीडियो के माध्यम से कुछ सीखें, समझें और हम सब मिलकर के एक एक कदम, एक एक स्टेप आगे बढ़ें। तो शुरू करते हैं लीनियर इनकम। लीनियर इनकम क्या है कि आप, मैं या कोई भी व्यक्ति जो है, वो अपना समय, अपनी एफर्ट लगाता है काम करने के लिए। काम चाहे कोई भी हो, आप काम करोगे तो पैसा आएगा, अगर आप काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा। अब काम के मायने दो तरीके के एग्जांपल हम लेते हैं कि आप जॉब करते हो, ठीक है। अब आप जॉब पे गए, ऑफिस पे गए, दुकान पे गए, फैक्ट्री में गए, आप साइट पे गए, वर्कशॉप पे गए, आप फील्ड पे गए और आपने दिन के 8 घंटे 7 घंटे काम पे लगाया। अब आपने काम पे लगाया, जो काम किया आपकी टेक्निकल स्पेशलिटी के हिसाब से, स्किल सेट के हिसाब से, तो उस दिन की आपको सैलरी, वेजेस, रिटर्न मिलेगी। अगर आप काम पे नहीं गए तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक है। अब इस प्रकार के कार्य में होता यह है कि आप किसी के लिए काम कर रहे हो, और वो जो है वो कंपनी हो सकती है, बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी हो सकती है, एक दुकान हो सकती है, कोई सा भी कमर्शियल सेटअप हो सकता है, किसी और का हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि वो सेटअप आपका ही हो। जैसे अगर आप मान लो क्लिनिक चलाते हो, आप एक मेडिकल प्रोफेशनल हो, क्लिनिक चलाते हो, अब
अब आपने एक दिन क्लिनिक बंद रखा, इसका मतलब ये हुआ कि उस दिन आपने किसी पेशेंट को देखा नहीं, कोई पेशेंट आपसे मिल नहीं पाया, तो उस दिन आपकी फी नहीं बनेगी। जॉब का एग्जांपल लें, आप जॉब पे गए, आपकी सैलरी उस दिन क्रेडिट हो जाएगी। आप जॉब पे नहीं गए, उस दिन आपका लीव मार्क होगा और आपको सैलरी नहीं मिलेगी। आप दुकान चलाते हो, अब आपने दुकान खोली, धंधा किया उस दिन, तो पैसे आपके हुए। अगर दुकान खोली ही नहीं, शटर ओपन किया ही नहीं, तो उस दिन कोई धंधा हुआ नहीं, तो उस दिन आपकी इनकम हुई नहीं। तो ये एक कुछ एग्जांपल्स हैं लीनियर इनकम के। अब दुनिया में मोटा मोटा आई वुड से 70-80-90% 95% लोग लीनियर इनकम के रूट पे काम करते हैं। मतलब अगर काम करते हैं, अगर अपना समय देते हैं, अपनी एफर्ट देते हैं, तो ही उनकी इनकम जनरेट होती है, अदरवाइज इनकम जनरेट नहीं होती। अब लीनियर इनकम की दिस इज हाउ थिंग्स हैव बीन स्ट्रक्चर्ड फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, तक ऑलमोस्ट 200-300 साल से इस लीनियर इनकम के कॉन्सेप्ट को एक बहुत स्ट्रक्चर्ड और सोचे समझे हिसाब किताब के तहत किया गया है स्ट्रक्चर, कि भाई पहले आपको पढ़ाई कराई जाती है, फिर पढ़ाई में आप कॉम्पिटिटिवली पास ऑन होते हो अच्छे नंबर्स से, फिर आपको अच्छी नौकरी ढूंढनी होती है, और वो नौकरियां कंपनीज में, कॉर्पोरेट्स में बनाई जाती हैं। फिर आप वो जॉब ज्वाइन करते हो, फिर आपको 2-3-4 साल अपने आप को आप प्रूफ करते हो, तो वो एक आप एक एक भेड़ वाले हिसाब किताब में एक 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 वन साइडेड ट्रैफिक के तरीके में आप फिर वो चक्की में आप घुसते जाते हो। और होता ये है कि आप फिर वो जॉब में या वो इनकम में इतने इन्वॉल्व हो जाते हो कि आपको लगता है यही दुनिया है और इसके अलावा मैं अब और कुछ नहीं कर पाऊंगा, आप उसी में रह जाते हो, है ना। और जब तक बहुत सोच समझ कर और विचारधारा आती है, तब तक लगभग काफी समय निकल जाता है और फिर रिस्क लेने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है। अब हम चलते हैं रेसिडुअल इनकम पे। रेसिडुअल इनकम क्या है? रेसिडुअल इनकम वो है जो आपने एक बार एफर्ट डाली, और फिर वो इनकम जो है वो आपके पास आती रहेगी। और होगा ये कि आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, वो कैसे होता है कि आपने एक छोटा एग्जांपल देता हूं कि आपकी इनकम आपने इन्वेस्ट की, मान लो कि शेयर्स में लगाए या दुकान में लगाए या कोई प्रॉपर्टी में लगाए, और वो शेयर्स का डिविडेंड आएगा या उस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आएगा या आप कोई एक एसेट अचीव करते हो तो उस एसेट से इनकम आएगी। तो अब आप काम भी कर रहे हो, वहां से भी इनकम आ रही है और इन एसेट से भी इनकम आ रही है। फिर इसी तरीके से आपने दूसरा एसेट अक्वायर किया, तीसरा एसेट अक्वायर किया, तो वहां से भी आपके इनकम आती है। पर इन इनकम का भी एक एक लिमिट होता है। जैसे अगर एक मकान से एक पर्टिकुलर रेंटल इनकम आनी है तो वो उतनी ही आएगी और वो उस एक मकान से ही आएगी, ठीक है। अब रेसिडुअल इनकम के और भी बेटर ऑप्शन हैं। जैसे अगर आप मान लो म्यूजिशियन हो, या जैसे आपके कोई पेटेंटेड एक एक्टिविटी है और वो आपने दुनिया भर में अलाव किया हुआ है यूज करना लोगों को, अब जब भी वो लोग यूज करेंगे वो आपको उसकी रॉयल्टी देंगे, उसकी एक फी देंगे, तो दैट इज अ लिटिल बेटर और लिटिल स्ट्रॉन्गर एवेन्यू कंपेयर टू प्रीवियस टू एग्जांपल्स जो मैंने आपको दिए। अब उसका एक उदाहरण आपको देता हूँ कि जैसे माइकल जैक्सन साहब हैं या जैसे किशोर कुमार साहब हैं, अब इन्होंने अपने टाइम पे गाने गाए
और वो गाने सारे प्रॉपर रिकॉर्डेड हैं, कॉपीराइटेड हैं, पेटेंटेड हैं। आज भी जनता जो उनके गाने सुनती है तो उसकी उनको रॉयल्टी जाती है और उनकी फैमिली को, उनके ट्रस्ट को वो इनकम आती है। किशोर कुमार साहब स्वर्गवास हो गए, माइकल जैक्सन साहब ऊपर चले गए, पर आज भी उनकी जो की हुई मेहनत है उसकी इनकम जनरेट होती है। तो ये एक स्ट्रॉन्गर बेटर ऑप्शन है कंपेयर टू द प्रीवियस रेंटल इनकम या इन्वेस्टमेंट इनकम। पर ये करने और ये करने के लिए, जैसे पहला वाला एग्जांपल है या अभी जो दूसरा वाला एग्जांपल, इसमें आपके पास एक कैपेसिटी होनी चाहिए या आप टेक्निकली या आपके पास एक गॉड गिफ्टेड स्किल होनी चाहिए जो बहुत रेयर लोगों में होती है। हम जो आते हैं वो एक कॉमन मैन, एक कॉमन आम जनता के दायरे से आते हैं। अगर हमारे पास इतने पैसे होते या इतनी ये इस तरीके की स्किल होती तो हम ना मैं ये वीडियो बनाता और ना शायद आप ये वीडियो सुनते। तो हम वो जनरल कैटेगरी, जनरल कॉमन पब्लिक के क्लास से आते हैं जहाँ पे हमने कुछ ऐसा करना चाहिए, कुछ ऐसा करना होता है जिससे हमारी इनकम, हम एक बार काम करें और इनकम बढ़ती रहे। और इसका एक जो बेटर या बेस्ट तरीका है वो है नेटवर्क मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग का सीन ये है कि एक कंपनी कॉरपोरेशन होती है और उसके आप एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो, एक लीडर बनते हो। अब आपने अपने आप को मोटिवेट करना होता है, आपने अपने आप को हमेशा स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ रखना होता है, रेगुलरली एफर्ट्स डालनी होती है। इनिशियली आपको एफर्ट जो है अच्छे लेवल तक एक एफर्ट डालनी होती है, बट जब उसका रिजल्ट आना शुरू होता है तब आपकी फिर इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ते जाती है। अब ये इनकम कैसे बढ़ती है, जैसे आपने इंडिपेंडेंट एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली, फिर आप अपने जैसे लाइक माइंडेड जो लोग हैं उनको आप ढूंढोगे, ठीक है, उनको आप ढूंढोगे। ये आपका एक नित्य क्रम है, लोगों से मिलना, लोगों को बात करना, लोगों को अपनी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना। अब मान लो आपके जैसा कोई लाइक माइंडेड बंदा या बंदी मिल गई और वो आपसे भी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो आप अब दो हो गए, फिर वो भी व्यक्ति इस तरीके से ढूंढना शुरू करेगा, तो फिर आप दोनों को और एक एक बंदा मिलता है, तो आप चार हो गए, चार के आठ, आठ के सोलह, सोलह के बत्तीस, बत्तीस के चौंसठ, और इसी तरीके से नंबर बढ़ता जाएगा। अब ये नंबर बढ़ने का आपकी इनकम पे क्या इम्पैक्ट आया, अब जैसे मान लो आप प्रोडक्ट लिया आपने, ठीक उसी तरीके से आपका जो बंदा था उसने प्रोडक्ट लिए, फिर जो दूसरे दो लोगों ने प्रोडक्ट लिए, फिर तीसरे जो लेवल पे आठ लोगों ने प्रोडक्ट लिए या सोलह लोगों ने लिए, ये जितने भी प्रोडक्ट लेंगे, कंपनी का प्रोडक्ट लेंगे आपके थ्रू, नॉट डायरेक्टली बट एक लेवल के बाद, इन सब में से आपको एक छोटा छोटा कमीशन मिलेगा। अब अगर मैं गिनूं कि सिर्फ 64 लोग हुआ, तो आप ये देखो कि आप एक हो और आपके नीचे 63 लोग हैं जो आप ही के कंपनी का प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं और पब्लिक को बेच भी रहे हैं, क्योंकि आपकी कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है। तो होगा क्या कि आपको 63 लोगों से इनकम मिल रही है, 63 लोगों से। अब आप देखो, कंपेयर करो कि भाई पहले आप जॉब करोगे, अपना समय दोगे तो आपको इनकम आएगी, दूसरे में आपने इतना कमाया कि भाई एक प्रॉपर्टी ली उससे एक आ रही है बट लिमिटेड है, तब भी आपको काम करना है, या आपने जैसे गीत संगीत वाला एक ऑप्शन मैंने दिया वहाँ पे आप कर रहे हो बट वो टैलेंट आप में होना चाहिए। तो हम एक आम मनुष्य हैं, आम जनता है, तो हम बेसिकली हार्डवर्क कर सकते हैं, थोड़ा समझदारी से काम कर सकते हैं और अपने जैसे हार्डवर्किंग पैशनेट लोगों से जो एक सपना अपने रखते हैं उन लोगों के साथ में हम काम करते जाएं। इस तरीके से अपना जो नेटवर्क है, जो अपना जो टीम साइज है वो बढ़ता रहे और हर व्यक्ति के बिजनेस से अगर आपको छोटा सा पोर्शन इनकम आता है तो देखा आपने एक ही बार काम किया, एक ही व्यक्ति को आपने लगाया, फिर उन सब ने मिलके फिर और लगाया, तो इस तरीके से आपकी इनकम बढ़ती रहेगी। अब चाहे आप
मान लो काम नहीं भी कर रहे हो एक दिन, बट आपकी जो टीम है 63 लोगों की या 127 लोगों की या 255 लोगों की, ये काम कर रहे जा रही है अपने लाइफ में, तो इन सब की इनकम में से आपके पास एक छोटा सा पोर्शन आएगा जो आपकी इनकम आपकी सोच के बियॉन्ड, आपके कैपेबिलिटी के बियॉन्ड, मतलब आपके सोच के कैपेबिलिटी के बियॉन्ड आपकी इनकम बढ़ती रहेगी। तो आपने एफर्ट एक ही बार डाली बट आपकी इनकम और बढ़ती हुई इनकम आपको आएगी, समझ रहे हैं आप। तो ये है पावर रेसिडुअल इनकम का, ये है पावर नेटवर्क मार्केटिंग से अपनी रेसिडुअल इनकम जनरेट करने का, और ये पॉसिबल है। दुनिया में लोग जो हैं नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति अपना लाइकिंग बढ़ा रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, ये एवरी ईयर बढ़ता जा रहा है। ये इंडस्ट्री जो है वो एवरी ईयर बढ़ती जा रही है, और इसका बहुत एक कॉमन सेंसिकल रीज़न भी है। ज्यों ज्यों ऑटोमेशन बढ़ रहा है, ज्यों ज्यों कंप्यूटराइज सिस्टम्स काम करते जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब सब ऑटोमेट होते जा रहे हैं, मैकेनाइज होते जा रहे हैं, और पब्लिक जो है वो जैसे खर्चे बढ़ रहे हैं तो इनकम कहाँ से, एक ही इनकम पर आप डिपेंड नहीं रह सकते, वो बहुत एक गलत सोच है। और जैसे जैसे समय जाते जाएगा, खर्चे बढ़ते जाएंगे, तो आपकी जो इनकम है या आपकी इनकम स्ट्रीम्स जो हैं वो बढ़ते रहनी चाहिए। सो आई वुड फील, सजेस्ट एंड बिलीव दैट वी ऑल शुड हैव रेसिडुअल इनकम्स फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, एंड नेटवर्क मार्केटिंग जो है उनमें से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोर्स है। तो मित्रों, इसी के साथ मैं यहाँ पे ये वीडियो को समाप्त करने की चेष्टा करूँगा, और आप सभी से फिर मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, आप इस वीडियो को लाइक करें, थम्स अप दें, अपने कमेंट्स लिखें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार आए हैं, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे अगले वीडियोज़ जो हैं वो जब भी मैं अपलोड करूँ तो आप तक एक इंस्ट्रक्शन या इंडिकेशन पहुँच जाए कि भाई एक वीडियो आया है काम का, उससे देखना है। और अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो मेरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है अबाउट में, कमेंट में भी लिखें, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रीच यू आउट एंड हेल्प यू आउट विद व्हाटएवर क्वेश्चंस और क्वेरीज और एनी गाइडेंस दैट यू नीड। या इसी के साथ खूब खूब धन्यवाद यहाँ तक वीडियो सुनने के लिए, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप जीवन में बहुत आगे बढ़ें, बहुत प्रगति करें। धन्यवाद।